वैसे जनरली मुझे जानना, हु इज योर फेवरेट, कृष्णा या मुफाड़? क्या इन दोनों में से। क्या क्या नई दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स, एंड टुडे वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद द गाय जिसको इंडिया में अभी बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, जो हिप हॉप के लिए बहुत कुछ कर रहा है, एंड जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं, जिसका नाम है रोहन कारियापा। भाई कैसे हो? सब बढ़िया राज जोन्स भाई, आप बताओ, शुड आई कॉल यू राज जोन्स इन दिस इंटरव्यू और शुड आई एड्रेस यू एज बीफ जोन्स? ओ मेरे भाई, हालांकि मैं ऐसे काम कुछ नहीं करता हूँ, यू कैन कॉल मी राज जोन्स, मैं सिर्फ इंटरव्यू करता हूँ। अब कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है यार। अच्छा, ठीक है ठीक है राज भाई, ठीक है, आई एग्री। हाँ, और क्या क्या चल रहा है, मुझे ये बताओ, यू नो फर्स्ट क्वारंटीन कैसा चल रहा है आपका यार? क्वारंटीन इज जस्ट लाइक एनी अदर डे। मैं तो यूट्यूब पे काम करता हूँ अभी फिलहाल, तो यूट्यूब का जो काम है वो तो फुल फ्लेजेडली ऑन है, बिकॉज कृष्णा और मुफाड़ की बीफ फुल फ्लेजेडली ऑन है, तो जब तक उनका काम खत्म नहीं होता तब तक मेरा भी काम खत्म नहीं हो सकता। वैसे मैंने जो लास्ट डिस था मुफाड़ का, वो मैंने कल उसका ब्रेकडाउन देखा भाई, मतलब 58 मिनट, अराउंड 58 मिनट का था ना? हाँ, 52 मिनट्स, ऑलमोस्ट 53 मिनट्स का ब्रेकडाउन था, एंड वाट लग गई बनाते बनाते। कैसे मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लिरिकल ब्रेकडाउन ऑन योर चैनल। ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ, तो बहुत, एक तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था बिकॉज गाना इतना लंबा है, एंड क्योंकि मुफाड़ और कृष्णा बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, तो वो कुछ भी बात सीधी बोलते नहीं है, तो यू हैव टू लाइक डिग इन कि अच्छा इसमें क्यों बोला उसने ऐसा, इसका क्या मतलब हो सकता है, तो पहले रिसर्च में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसके बाद स्क्रिप्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एंड उसके बाद वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एंड वीडियो एडिटिंग में तो मतलब लगा लो मैं 10:30 बजे बैठा था रात के, एंड सुबह 7 बजे तक मैंने काम किया, तब जाके वो वीडियो एडिट हो पाई। सो हाँ, फक मैन, तो मेरे ख्याल से बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे। और दूसरा, यू नो आपने आई थिंक फर्स्ट टाइम कैमियो करा है अपने एक वीडियो में, क्योंकि शाउट आउट मिला था मुफाड़ भाई की तरफ से। हाँ, पहला फेस कैम वीडियो है मेरा, बिकॉज मैं समझ नहीं पा रहा था कि फेस कैम करूँ ना करूँ, मेरे को उतना मज़ा नहीं आता क्योंकि फेस कैम वीडियोज़ में, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि अब एक डिस्ट्रैक में मेरा नाम ले लिया गया है, तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू जस्ट कम एंड एड्रेस द फैक्ट कि हाँ मेरा नाम लिया गया है और मेरे व्यूज़ ये है। सही, आपने अपनी बात भी रखी, वैसे आपकी बात से मैं रिलेट कर सकता हूँ, हम रेडियो वाले लोग हैं, यू नो हम लोगों को ऑडियो ज़्यादा पसंद है, लेकिन जैसे कि डिजिटल पे हम आ चुके हैं तो दिखाना भी अपने आप को बहुत ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी तो है, एंड मैं पक्का फेस कैम वीडियोज़ और बनाऊंगा, बट द थिंग इज ब्रेक डाउन इतना लंबा होता है, एंड उसमें मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसकी एडिटिंग एनीवेज बहुत एक टीडियस प्रोसेस होता है, एंड उसमें अगर मैं फेस कैम भी इंक्लूड करने लग जाऊँ तो उसकी शूटिंग का प्रोसीजर भी मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो मेरे को लगता है कि जब गाना आ गया तो उसके 1-2 दिन में, 3 दिन में मैक्सिमम ब्रेक डाउन डाल दो तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है, ताकि लोग उस गाने को बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरह इन्जॉय कर पाएँ। बिल्कुल सही भाई, यू नो बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हो यार। मैंने एक चीज़ नोटिस करा कि हम में ना बहुत सारी चीज़ कॉमन है, जैसे कि यू नो कि हम रेडियो बैकग्राउंड से हैं, हम दोनों का इंट्रो बड़ा खतरनाक है, एंड हम लोग हिप हॉप के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हिप हॉप ही हमारी दुल्हन है, क्या लगता है आपको? हाँ, ये बात तो है, और ये एक और बात है जो मीमर्स ने हमें बताई कि हम बीफ का भी एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है जो हिप हॉप में होती है। हाँ, बात तो बिल्कुल आपने सही बोली है। मेरे को ये बताओ यार, अब बताओ मेरे को भाई, यू नो मुझे जानना है कि नाम को लेकर, यू नो जो प्रोनंसिएशन है आपके, योर सरनेम बहुत मतलब डिफरेंट, यू नो सब डिफरेंट है, मैंने सही बोला था मेरे ख्याल से, है? हाँ, आपने तो सही बोला एकदम। फिर ठीक है, बाकी मतलब कैसा, यू नो मैं देख रहा था और भी जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस बनते हैं हिप हॉप से रिलेटेड, उसमें सबने आपके नाम की अलग अलग प्रोनंसिएशन है, व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? एक्चुअली मुझे आदत हो गई है, पहले जब मैं स्कूल वूल में था तब मेरे को लगता था यार मेरा नाम सही नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं, मेरे को बुरा लगता था, बट ओवर टाइम इतनी बार मेरा नाम अब बिगड़ चुका है कि आई जस्ट फाइंड इट फनी, मतलब लोग करियप्पा बुला, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है कारियप्पा, क में बड़े आ की मात्रा और कारियप्पा, सो लोग उसको करियप्पा बुलाते हैं, कपारिया आजकल इंटरनेट ने बना दिया है, कड़ी पत्ता, बहुत नाम बिगाड़ने पर तो बहुत है, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। कोई नहीं भाई, मतलब आई थिंक यू नो जिसका नाम होता है उसी का नाम बिगड़ते हैं। सही है सही है। अच्छा यार, इतने मल्टी टैलेंटेड कैसे हो, मतलब भाई यू नो पहले आप बीट बॉक्सिंग करते थे, मुझे वो बता रहा था क्या बोलते हैं अंकित चमोली, आप जानते हो उसको, देहरादून का बीट बॉक्सर है। हाँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं उससे उसके साथ बात भी करता था जब मैं एक्चुअल बीट बॉक्स सीन में था, तो मेरी उससे उसके साथ बात होती रहती थी
काफी। हाँ उसी ने मेरे को बताया था कि नो बीट बॉक्सिंग भी करते हो आप, डांसिंग भी करते हो, अब लिरिकल ब्रेक डाउन भी कर रहे हो, मतलब इतने मल्टी रेडियो जॉकी भी हो भाई, इतने मल्टी टैलेंटेड कैसे यार, मतलब कितना अपने स्किल्स पे काम करते हो। तो मैं मल्टी टैलेंटेड नहीं हूँ, एक कहावत है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, मतलब मैं हर चीज एक हद तक इन्फॉर्मेशन रखता हूँ एंड उसके बाद आई मूव ऑन एंड लर्न समथिंग न्यू, बिकॉज मेरा एक्चुअल पैशन इज टू लर्न डिफरेंट थिंग्स, तो उसी की वजह से मेरे को इतनी सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आती है। मैं किसी भी चीज़ में अपने आप को परफेक्शनिस्ट नहीं बोल सकता, ये एक बात है, लेकिन अच्छा मतलब लेकिन आप करते रहते हो चीज़ें, यू नो जो जो आपको लगता है कि मेरा टैलेंट है यू डू। हाँ ठीक है, अच्छा मेरे को ये जानना है भाई यू नो कि लिरिकल ब्रेक डाउन आपने कैसे शुरू करा एंड कैसे हुआ। तो मैंने मेरा पहला लिरिकल ब्रेकडाउन वो सीधा मेकओवर जो कृष्णा का एक डिस्ट्रैक्ट था टुवर्ड्स एमीवे, एंड व्हेन दैट डिस्ट्रैक्ट रिलीज्ड पीपल वर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल वर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स। पहले लोग बोल रहे थे कि यार कृष्णा ने ना एमीवे को सिर्फ व्यूज़ के लिए डिस किया, सिर्फ व्यूज़ के लिए डिस किया, सिर्फ व्यूज़ के लिए डिस किया। दूसरा बोल रहे थे अरे वाह एमीवे को मस्ट डिस किया, एमीवे डिजर्व्स दिस, एमीवे डिजर्व्स दिस, एंड नो वन वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हाउ गुड दैट डिस्ट्रैक्ट वाज, है ना। तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि क्या लिख दिया है, क्या लिख दिया, एंड लोगों को बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे के आर डॉलर साइन मालूम है ना वाला जो चीज़ था, ऐसी कुछ चीज़ें लोगों को समझ नहीं आ रही थी। एंड जब मैंने वो डिस्ट्रैक्ट का ब्रेकडाउन बनाया था तो लोगों को पहले तो यकीन नहीं हुआ कि एक थर्ड पर्सन एक डिस्ट्रैक्ट के बारे में इतना डिटेल में कैसे जान सकता है। अभी तो लोगों को ब्रेकडाउन का मतलब समझ आ गया है, लेकिन उस टाइम मेरे को बहुत सारे ऐसे मैसेज आते थे कि ये कृष्णा का बंदा है, इसको कृष्णा ने बताया है कि इसका मतलब है और कृष्णा ने ये वीडियो बनवाई है उससे। तो अब अच्छा। अब नॉर्मलाइज हो गया, अब लोगों को पता चल गया कि हाँ थर्ड पर्सन जो लोग होते हैं वो भी मेटाफर्स डिकोड कर सकते हैं, वो भी गाने समझ सकते हैं, तो अब तो अच्छा ट्रेंड बन गया है ब्रेकडाउन का। ओके तो ऐसा आपने स्टार्ट किया। वैसे जनरल मुझे जानना हूज योर फेवरेट, कृष्णा या मुफाड़, इन दोनों में से क्या है, क्या इन दोनों में से मेरा फेवरेट कौन है? ओवरऑल मेरा फेवरेट इज ब्रॉदवी। ब्रॉदवी अगर इन दोनों में से बोला जाए कृष्णा या मुफाड़ में से, यार इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दोनों का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यूएसपी है वो बहुत डिफरेंट है। कृष्णा की यूएसपी इज प्योर लिरिक्स, जो मेटाफर्स वो यूज करता है दैट इज हिज स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड मुफाड़ की स्ट्रेंथ इज हिज फ्लो, बहुत से वो अभी से नहीं 2016 से अगर आप मुफाड़ के गाने सुनोगे या इवन पहले उसके तो भी आपको उसके फ्लो दिख जाएगा कि हाँ ये इस बंदे में नेचुरली है डिफरेंट फ्लो स्विचेस करना और राइमिंग्स करना एलिटरेशन करना। तो दोनों की अलग क्या बोलते हैं यूएसपीज हैं, एंड अगर किसी को मेटाफर सुनना ज़्यादा पसंद है वो कृष्णा को पसंद करेगा, जिसको फ्लो सुनना ज़्यादा पसंद है वो मुफाड़ को पसंद करेगा। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई मतलब स्टैंड आउट विनर कोई नहीं हो सकता इस बैटल का, ये प्रेफरेंस के ऊपर जाता है मेरे हिसाब से। ओके हाँ वैसे भी यार मेरे को भी दोनों भाई खतरनाक है, दोनों का बहुत अच्छा काम है। बहुत यार आप कितनी कितनी रिसर्च करते हो ना टू ब्रेक डाउन? बहुत ज़्यादा। तो पहले तो बहुत सारी चीज़ें रिसर्च से आपको पता चल जाती है, ठीक है। मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिरिक्स ब्रेकडाउन बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो एक गाने में होती है वो आपको रिसर्च से पता चलती है। जैसे कि ब्रॉदवी की लाइन थी आई एम सो हार्ड जैसे आई ड्रैंक सीमेंट इन द आर्कटिक वाइल लुकिंग मेडूसा इन द आईज, ये वाइंको की एक लाइन थी, ठीक है। तो अब मेडूसा कौन है ये आप गूगल पे सर्च करके पता लगा सकते हो, तो इसमें आपका रिसर्च आपका गूगल आपको बहुत हेल्प कर देता है। दूसरी लाइंस होती है जिसके जो एक रिडल की तरह होती है, जो आपको अगर आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे कि कृष्णा के माँ कसम में वो लाइन थी सॉफ्ट जैसे सिल्क रूट में गंगा में कूद भागीरथ में डूबा डूबा लगता है। तो अगर आपको नहीं पता कि डूबा डूबा नाम का एक गाना था जो सिल्क रूट नाम के बैंड ने गाया था और भागीरथ की स्टोरी, हाँ मोहित चौहान वाला बैंड एग्जैक्टली, तो आप ये वाला डीकोड नहीं कर सकते। तो ऐसे अलग अलग टाइप के लाइंस के लिए आपको अलग अलग तरीके का दिमाग लगाना होता है टू ब्रेक इट डाउन। तो मतलब रिसर्च काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अच्छा मैंने एक चीज और देखी कि कभी कभार ना आपके जब ब्रेकडाउन करते हो तो कभी कभार एग्जैक्ट सही मीनिंग नहीं होती और लोगों ने उसको पकड़ लिया एक दो बार, ऐसा हुआ था तो फिर मतलब वो कैसे डील करा आपने यार उससे? नहीं कुछ डील नहीं करना यार, देखो आफ्टर ऑल मैं भी एक ह्यूमन हूँ, तो ब्रेकडाउन इज लाइक पजल सॉल्विंग, ठीक है। और अगर आप मुझे बोलो कि अच्छा मुफाड़ का ये वाला गाना ले ले या कृष्णा का ये वाला गाना ले ले, ब्रेक डाउन योर बेस्ट 5 लाइन्स आउट ऑफ दिस सॉन्ग, वो तो मैं आराम से कर दूंगा। बट व्हेन आई एम क्लेमिंग कि मुझे पूरा एक गाना ब्रेकडाउन करना है तो मैं एक भी लाइन छोड़ नहीं सकता।
और अगर राज भाई अगर मैं आपको 50 रिडल्स दूंगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता आप 50 के 50 सॉल्व कर दो, 40 सॉल्व करोगे, कभी कभार 10 रह जाएगा, कभी कभार 1 रह जाएगा, कभी कभार 35 रह जाएगा। तो आई हैव कम इन टर्म्स विथ द फैक्ट कि परफेक्ट ब्रेकडाउन बहुत मुश्किल है। और एक दूसरी चीज़, एक और ये चीज़ हो गई है कि पहले तो लोग बिल्कुल एनालाइज नहीं करते थे, आजकल लोग ओवर एनालाइज करते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हैं, जो एक्चुअली आर्टिस्ट ने सोचा भी नहीं होता वो भी एनालाइज करते थे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, वो जिस लाइन का हम बात कर रहे थे कृष्णा के, सॉफ्ट जैसे सिल्क रूट में, सिल्क रूट के गंगा में कूद, भागीरथ में डूबा डूबा लगता है, तो लोगों ने उसके बहुत सारे अलग मीनिंग भी निकाले। लोगों ने ये भी बोला कि जो डूबा डूबा गाना था वो गंगा में शूट हुआ था तो इसलिए भी वो बोला है, विच इज़ एक्चुअली नॉट राइट फैक्ट। वो मोहित चौहान के किसी दोस्त के स्विमिंग पूल में और मुंबई में किसी एक लेक में शूट हुआ था, तो वो गलत फैक्ट है। ऑल्सो एक और लाइन थी कृष्णा के गाने में विच सेड कौन सा है, लेट जब लेते तुम शॉट लेट के पूल में, तो उसका मतलब था कि पूल टेबल पे जब हम शॉट लेट के जब हम क्यू स्टिक से बॉल को मारते हैं वैसे बॉल्स मेरे तुम्हारे मुंह के पास होंगे। लोगों ने उसका दूसरा मीनिंग भी निकाल लिया कि हाँ हम स्विमिंग पूल में बैठ के टकीला शॉट्स ले रहे हैं, बट द पॉइंट इज़ उसका गाने में क्या रेलेवेंस है, उसका गाने से कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई कनेक्ट नहीं हो रही बात। तो हाँ, ओवर एनालाइजिंग भी आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, अंडर एनालाइजिंग तो पहले होती थी बहुत, तो इट्स बिकमिंग अ बैलेंस नाउ आई गेस। देखो ये बात जो आपने बोली बिल्कुल सही, क्योंकि ना मैंने भी देखा था, क्योंकि जब जितने भी यू नो रैपर्स के गाने आते हैं तो मैं देखता रहता हूँ कि यू नो लोगों ने लाइन की अपनी मीनिंग बना के रखी हुई है। हाँ। मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी नहीं है, मतलब हर ऑब्वियसली पता हर बात के 2 या 3 मतलब निकल सकते हैं। हाँ। बट जो एग्जैक्ट है वो ही बतानी चाहिए जैसे कि आप करते हो। हाँ, तो अगर मेरे को आप ओवर एनालाइज करने को दो तो मैं बहुत फाड़ू तरीके से ओवर एनालाइज कर दूंगा हर। अब मूवीज़ के नाम देख लो, जैसे कि कल मैं एक अपने वीडियो में कमेंट पढ़ रहा था, मुफाड़ के गाने की लाइन थी हाथ उठा तो कोहराम लिखा, ठीक है, तो मैंने बताया कि भाई हाथ उठना मतलब फिजिकली हाथ उठना एंड लिखने के लिए उठना तो कोहराम मच जाता है, तो लोगों ने उसका बहुत सारे मीनिंग निकाल रखे। उन्होंने लोगों ने ये बोल रहा कोहराम अमिताभ बच्चन की मूवी भी थी एंड तो मुफाड़ बोल रहे हैं कि वो अमिताभ बच्चन की तरह कोहराम में लिख सकते हैं, रेफरिंग बैक टू अमिताभ बच्चन एंड रेखा वाली लाइन फ्रॉम महारानी। तो मेरे को नहीं लगता, अगर आप मुफाड़ से पूछोगे आई एम प्रीटी श्योर ही विल एग्री टू दिस फैक्ट कि बहुत बार उनकी लाइंस को ओवर एनालाइज किया जाता है। एंड आई एम वेरी इंट्रीग कि जब एक आर्टिस्ट अपनी लाइन को ओवर एनालाइज होता हुआ सुनता होगा तो उसको कैसा लगता होगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं नहीं करता हूँ, मैंने भी किए होंगे ऐसे ओवर एनालाइजिंग ब्रेकडाउन्स, बट आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। वैसे मुफाड़ ने वो कोहराम मूवी से रेफरेंस दिया नहीं होता, क्यों, क्योंकि कोहराम फ्लॉप थी। हाँ, exactly. तो मतलब कोई ऐसा रेफरेंस तो कोई रैप में यूज नहीं करेगा जो चीज यू नो फ्लॉप से रिलेटेड हो या हाँ. कल्ट हो। अच्छा, मेरे को एक और चीज, आई वांट टू टॉक अबाउट यू, यू नो यार, आपको क्या लगता है कि हिप हॉप की ऑडियंस को एजुकेट होना बहुत जरूरी है कि नहीं, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ ना कि लोग जिस तरह से कॉमेंट्स करते हैं, जिस तरह से लड़ते, चलो फैंस तो लड़ते आपस में, बट लोगों का जो हिप हॉप जो कॉमेंट करते हैं स्पेशली, वो मुझे ऐसा लगता है कि यू नो कि उनको एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, तभी इंडिया में हिप हॉप सही लेवल पर जाएगा और सही तरीके से फैलेगा। आपको क्या लगता है? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हम एक सेट ऑफ लोगों को एजुकेट करके एकदम आइडियल बना देंगे फॉर हिप हॉप और हिप हॉप एकदम नाइस प्लेस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बिकॉज अभी फॉर एग्जांपल एक सेट ऑफ पीपल है जो कृष्णा और मुफाड़ को सुन रहे हैं, ठीक है, और समझ लो उनको इतनी नॉलेज नहीं है हिप हॉप के बारे में, तो हम उनको एजुकेट करेंगे, वो ओवर द टाइम लगा लो 1-1.5 साल में उनको हिप हॉप की बहुत अच्छी समझ आने लग जाएगी। बट देन देर आर ऑल्सो पीपल जो बादशाह भाई, हनी सिंह ऐसे कमर्शियल आर्टिस्ट को सुन के थोड़ा इंटरेस्ट लेकर अंडरग्राउंड में उसी टाइम घुस रहे होते हैं, आप समझ रहे हो? यस। अब वो उस स्टेज में आ गए हैं जब उनको जहाँ पे उनको अब हमें एजुकेट करके एक स्टेबल स्टेज पे पहुँचाना होगा, तो इट इज़ लाइक अ साइकिल, मतलब आप जितने लोगों को एजुकेट करते रहोगे उतने ही लोग और हिप हॉप में दिलचस्पी लेकर आते रहेंगे, बिकॉज हिप हॉप यहाँ से तो ग्रो होने वाला है फॉर श्योर, यहाँ से अब उसकी रीच कम नहीं होगी। हाँ, मेरे को भी ऐसा लगता है कि 2020 एंड 2021 ये दोनों साल हिप हॉप के लिए बहुत बूम करेंगे। फॉर श्योर। अच्छा भाई, वो मीमर्स पे क्या कहना है आपका? एक जो मीम देखा था मैंने वो मुझे याद है, क्या आप क्रोनोलॉजी समझे कि पहले यू नो राज जोन्स के इंटरव्यू में बीफ होगा, फिर रैपर्स डिस निकालेंगे, फिर रोहन कैरियापा उसको ब्रेक डाउन करेगा, ये मीम पर क्या कहना है आपको?
ये मीम बहुत फनी, एक तो आप पे जो मीम्स बनते हैं मेरे को बहुत ज़्यादा फनी लगते हैं यार बहुत, क्योंकि आपने तो एक इनोसेंस से इंटरव्यू लिया होता है। अब वो इंटरव्यू में आर्टिस्ट ने बहुत कैंडिडली आपको अपने दिल की बात बताई होती है, एंड जब वो दिल की बात बताते हैं तो बाहर जो सुना होता है उनको अच्छा नहीं लगता है, एंड देन बीफ स्टार्ट हो जाती है, एंड देन लोग बोलते हैं कि राज जोन्स ने बीफ स्टार्ट कराई, इसके इंटरव्यू में जाओ। इनफैक्ट जब मैंने पोस्ट किया था कि राज जोन्स, आपने एक स्टोरी टैग करी थी, मैंने बोला था हाँ हम जल्दी एक इंटरव्यू करने वाले हैं, तो लोगों ने बोला था अरे मत करो आप कभी बीफ स्टार्ट करवा देंगे भैया। तो अरे कल वैसे मुझे एक मैसेज भी आया था कि और नीचे वो कल लाइव में तो आपके उसमें किसी ने कमेंट किया था कि अफेक और रोहन करियापा की बीफ करा दो राजोस भाई। मतलब लोग क्या कह सकते हो, बाकी मीम्स एंजॉय करते हो? मीम्स बहुत इन्जॉय करता हूँ, और मीमर्स एक्चुअली एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है हिप हॉप का, ये मैं समझ चुका हूँ बहुत रिसेंटली। मतलब हम उनको इतना लाइटली ले लेते हैं कि ये तो सिर्फ मजाक करते हैं, दे डोंट हैव एनीथिंग टू गिव। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाई थी #1MinuteRapChallenge करके, उसमें मैंने कुछ 15 आर्टिस्ट्स को शाउट आउट, 15 से ज़्यादा आर्टिस्ट को शाउट आउट दिया था, एंड मैंने बोला था कि भाई मीम पेज जितने भी मेरे को सुन रहे हैं, अगर आप मजाक करते हो दैट इज़ गुड, लेकिन अगर आपको आर्टिस्ट को सपोर्ट करना है जस्ट टू चूज एनी टू गुड आर्टिस्ट फ्रॉम दिस वीडियो एंड सपोर्ट इट, एंड ऑलमोस्ट ऑल द मीम पेजेस दैट आई नो सपोर्टेड दैट कॉज, एंड उन्होंने अपने फेवरेट आर्टिस्ट को अपने पेज पर प्रमोशन दी, जिससे आर्टिस्ट का भी फायदा हुआ, एंड आई थिंक मीम पेजेस को भी अच्छा ही लगा होगा कि उन्होंने एक अच्छा काम किया। सो दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर, एंड इफ यूज करेक्टली मीम पेजेस कैन हेल्प हिप हॉप ग्रो रियली क्विकली। सही, बिल्कुल सही बात बोली आपने भाई, यू नो कि आई थिंक मीम, चलो फनी है, मीमर जो बनाते हैं फनी लगता है, यू नो जो है वो हम एंजॉय करते हैं, शेयर भी मारते हैं, बट यू नो टैलेंट को सपोर्ट करना ही बहुत ज़रूरी है। और दूसरा यू नो एक और बात मुझे लगता है कि समटाइम्स यू नो ये मीमर्स बहुत ज़्यादा मीन मीम बनाते हैं जो कि बहुत पर्सनल होता है, किसी को माँ बहन की गाली देना, रैपर्स को माँ बहन की गाली देना, जो मुझे लगता है कि बहुत गलत है, आपको क्या लगता है? हाँ ये तो है यार, अब किसी को भी ऐसे गाली देना, या जैसे कि अभी मुफाड के डैड ने कृष्णा की वीडियो के नीचे या फोटो के नीचे कमेंट किया था, तो मुफाड़ के डैड को जाके डीएम्स करना, या अभी अभिनव और विनीता नाम का जो एक नेम ड्रॉप हुआ था उनको जाके टेक्स्ट करना कि अरे आप कौन हो, आप ही हो क्या कृष्णा, तो ये सब तो यार बहुत चीप हरकत है। एंड मैं तो पहले एक आइडियलिस्टिक माइंड से आया था, जब मैं यूट्यूब में आया था मैं बोलता था हेट मत करो हेट मत करो, अब मैं समझ चुका हूँ कि जो मैं वो प्रीच करता था वो पॉसिबल होना नहीं है, तो एटलीस्ट हम इतना बोल सकते हैं कि आप आर्टिस्ट को हेट कर लो अगर आपको करना है, बट एटलीस्ट उनके पेरेंट्स को मत बोलो, एंड उनको ऐसी बहुत ज़्यादा मीन मत हो जाओ, बी फनी डोंट बी मीन, बहुत फाइन लाइन होती है बिटवीन फनी एंड मीन, तो डोंट क्रॉस दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, माय सजेशन। बिल्कुल सही बात बोली भाई, मैं भी अग्री करता हूँ, यू नो बनाओ भाई फनी है, लेकिन किसी के घर वालों पर जाना है या माँ बहन की गाल देना, इट्स नॉट फनी, और ऐसा लगता है कि तुम लोगों को फनी है बट ये फनी नहीं है भाई, हम बता देते हैं। अच्छा आई वांट टू नो भाई, कृष्णा भाई ने शॉर्ट आउट दिया था आपको, मुफाड़ भाई ने शॉर्ट आउट दिया था, मेरे इंटरव्यू भी दिया, अभी लास्ट जो डिस्ट्रैक्ट था उसमें भी दिया, और किन किन यू नो रैपर्स ने यू नो आपको शॉर्ट आउट दिया, या यू नो बात हुई उनसे कि यार तू अच्छा कर रहा है यू नो हिप हॉप के लिए? मुझे मेरे जो फेवरेट आर्टिस्ट है उससे शॉर्ट आउट एक्चुअली मिल चुका है मुझे, विच इज़ ब्रॉदवी, सो दैट वॉज वेरी हैप्पी, एंड इन वन ऑफ स्टोरीज उनसे किसी ने पूछा था वॉट आर योर व्यूज ऑन रोहन कारियप्पा, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था बाई सेइंग यू मीन रोहन कपारिया, सो दैट वॉज अ वेरी गुड मोमेंट। उसके अलावा मुझे रफ्तार ने अपनी लाइव स्ट्रीम पर शाउट आउट दिया है, पाकिस्तान के सारे अच्छे रैपर्स जैसे कि तलहा यूनिस, तलहा अंजुम, रैप डीमन, सैविज से मेरी बात होती है, साद खान से मेरी बात होती है, एवरी वन हैज़ लाइक्ड माई वर्क देयर इज़ वेल, ऑल्सो एग्जी ऑल्सो टेक्स्टेड मी सेइंग शी लाइक्स माई वर्क, एमसी हसने, ऐसे बहुत सारे बहुत स्वीट कम्युनिटी रही है मेरे लिए, एटलीस्ट दे हैव ट्रीटेड मी रियली वेल टिल नाउ एटलीस्ट। ग्रेट भाई, आई ऑल्सो लव योर वर्क, यू नो मुझे तो भाई पहले से बहुत ज़्यादा पसंद है आपका काम, अच्छा काम कर रहे हो, जी फाड़ काम कर रहे हो जैसे मैं बोलता हूँ इन माई टर्म्स। थैंक यू राज भाई, एंड आई मस्ट टेल यू, जब आपका टेक्स्ट आया था, जब आपने मुझे फॉलो करना शुरू किया था, जब आपने मेरे को पहली बार मैसेज किया था, मैं उस टाइम माई चैनल वॉज रिलेटिवली स्मॉल, एंड अगर कोई ऐसा बड़ा क्रिएटर कुछ आके बोलता है तो इट रियली मीन्स अ लॉट, तो थैंक यू फॉर दैट इज वेल। नहीं नहीं मेरे भाई, मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं है, काम बड़ा काम खतरनाक होना चाहिए, जी फाड़ होना चाहिए, आप भी जी फाड़ काम कर रहे हो, भाई भी जी फाड़ काम कर रहा है, हाँ बस भाई ये क्या बोलते, मैंने देखा था ग्यारी 2.0 चैन के कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी, क्या सीन है ये? हाँ वो कंट्रोवर्सी तो होती है, जो ज्ञानी वाला तो एक्चुअली इट्स नॉट अ कंट्रोवर्सी, वो तो हम ऐसे फ्री फंड के शॉट्स ले रहे थे एक दूसरे पे, तो वो तो फन के लिए था,
मतलब कि वो वहाँ से कुछ बोल रहा है तो मैं यहाँ से रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, तो दैट वॉज ऑल इन गुड टेस्ट, इट वॉज नॉट बैड, देयर इज नो लाइक हार्ड फीलिंग्स बिहाइंड इट. मैं और ज्ञानी पीछे बात भी कर चुके हैं ऑन व्हाट्सएप और ऑन इंस्टाग्राम DMs, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है. स्टार्ट वैसे नहीं हुआ था, स्टार्ट एक अलग टोन में हुआ था, बट ओवर द टाइम वी बिल्ट इट एज अ क्यूट राइवलरी दैट वी हैव. चैन के साथ सीन हुआ था यार, अब क्या कर सकते हैं. तो देखो मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ. एज यूट्यूबर्स हम अपने से जो नीचे होते हैं उनको हमें टारगेट नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इन रियल टर्म्स अगर मैं आपको बोलूँ कि एक होमलेस इंसान जा रहा है, एक भिखारी जा रहा है, मैं आपको बोलूँ आपको उसका मजाक बनाना है या बादशाह भाई का मजाक बनाना है अपने वीडियो में, तो आप किसका मजाक बनाना पसंद करोगे? यार देखो मैं अपनी ऐसे कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है, अपने पर्सनल बताता हूँ, मैं अपना मजाक उड़ा लूंगा, ज्यादा बेटर है यू नो, रेयर देन किसी और का उड़ाने का, मैं अपना उड़ा लूंगा भाई. अच्छा तो मैं आपको एक कॉमेडी का टर्म बताता हूँ, ये कॉमेडी इनफैक्ट इन रियल लाइफ भी, इट्स कॉल्ड पंचिंग अप. ठीक है, तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल उस होमलेस इंसान का मजाक उड़ाऊँ जो स्टैचर में मुझसे नीचे है, दैट विल गो वेरी बैड ऑन माई पार्ट, बिकॉज उससे मेरे उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा मेरे उस मजाक बनाने से, आप समझ रहे हो. लेकिन अगर मैं बादशाह भाई का मजाक उड़ाऊँ, उसको उनको जाके फॉर एग्जाम्पल मेरी पूरी फैन बेस भी पहुँच गई, 50-60 हज़ार लोगों ने बोल भी दिया अरे रोहन ने मजाक बनाया, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज उनकी जो एक्चुअल फैन बेस है दैट इज़ मच मच बिगर देन द हेटिंग सेक्शन ऑफ बादशाह भाई, समझ रहे हो. बट भाई वो डिपेंड भी करता ना कि आप किस तरह का मजाक करो, अगर वो नॉर्मल फनी है तो ठीक है यू नो बंदा हेल्दी वे में ही लेता है, अगर वो मतलब कुछ ऐसा मीन मजाक है तो मतलब वो आगे कुछ मीन का सोचता है. हाँ एग्जैक्टली वो मैं एग्री करता हूँ, बट मीन का तो कोई सवाल ही नहीं था. तो एक कॉन्सेप्ट है जो क्रिप्ट करता था एवरीथिंग रॉन्ग विद अ ट्रैक, आप समझ रहे हो, एक कॉन्सेप्ट है. तो बेसिकली उसमें बहुत निट पिक करके बताता था, ऐसा नहीं मतलब अगर वो नॉर्मल ट्रैक में मेरे को सुनाई देगा तो मैं नहीं बोलूंगा अरे इसने कुछ गलत बोला है, बट सिंस इट्स अ वीडियो कॉन्सेप्ट यू हैव टू डिग इन स्मॉल थिंग्स दैट यू थिंक आर रॉन्ग इन दिस ट्रैक. तो मैंने चैनके पे वो एक वीडियो बनाई थी थिंकिंग कि यार वो तो चलो एक बड़ा रैपर है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स तो ही विल टेक इट इन गुड टेस्ट, बट आई वॉज श्योरली रॉन्ग, उसका ईगो काफ़ी हर्ट हो गया, एंड देन ही स्टार्टेड टारगेटिंग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑब्वियसली आई हैड टू रिस्पॉन्ड, सो आई रिस्पॉन्डेड बैक, दैट्स इट. एंड राइट नाउ इट्स प्रिटी पीसफुल इन द सेंस वो अवॉइडिंग वाली स्टेज चल रही है वेयर आई एम नॉट गोइंग टू फीचर हिम इन एनी ऑफ माई चैनल वीडियोज, एंड ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी ब्रेकिंग डाउन हिज ओन ट्रैक्स. तो सही है. सो भाई जो आप कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, चैन के जो कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है, यू नो बहुत ही पीस अब दोनों में. लेकिन अगर लोग चाहते हैं कि मैं चैन के का इंटरव्यू करूं तो प्लीज कमेंट करें नीचे सेक्शन में, आपको क्या लगता है भाई, सही बात है? हाँ लोग अगर चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपको करना चाहिए, अब लोग ही जनता ही जनार्दन है तो बेटर है वही, उन्हीं से पूछ लो. ओके अच्छा भाई कॉमेडी भी करते हो यार, मुझे याद आ गया अभी हम बात कर रहे थे तो. हाँ एक्चुअली वही मेरा सबसे बड़ा पैशन है राइट नाउ, आई परफॉर्म इम्प्रोव कॉमेडी, वो एक जॉनरा होता है ऑफ कॉमेडी, जैसे स्टैंड अप होता है जिसमें आप पूरा एक अपना सेट लिख के जाते हो, इम्प्रोव कॉमेडी इज कम्प्लीटली इम्प्रोवाइजेशन कॉमेडी, मतलब आपको वहीं पर ऑन स्पॉट जनता जो होती है, ऑडियंस जो होती है, वो आपको सजेशंस देती है एंड यू हैव टू क्रिएट अ सीन एंड मेक इट फनी, सो इट्स अ वेरी गुड आर्ट टू प्रैक्टिस, बहुत कुछ सिखाती है आपको इन रियल लाइफ एज वेल, तो मस्त है वो. सही है यार, मतलब ऐसी चीजें और करनी चाहिए ना, आप बहुत स्पॉन्टेनियस होते हो ताकि हाँ, आप चीजें हैंडल कर सको. ट्रू हाँ बहुत स्पॉन्टेनियस फीलिंग आ जाती है, देन जो स्टटरिंग का प्रॉब्लम होता है वो चला जाता है काफी हद तक, एंड देन आपकी जो माइंड होता है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो आई थिंक एनीवन हु कैन लर्न इम्प्रोव कॉमेडी शुड गो फॉर इट. सही भाई सही. अच्छा यार मैं अभी देहरादून में हूँ तो मुझे याद आया आपने एक गाना था बड़े तू चल मॉब डी एंड डकैत भाई का, उसका ब्रेकडाउन किया था आपने? नहीं मैंने एक्चुअली ब्रेकडाउन नहीं किया था, आई यूज दैट डकैत के वर्स का, मैंने उस गाने को यूज किया था एंड बताया था कि बहुत सही राइम स्कीम्स हैं एंड कुछ दो तरीके की राइम्स है, हॉलो राइम्स और इंटरनल राइम्स, वो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए उनके गाने को यूज किया था और वो बहुत सही गाना लगा था, मेरे को किसी ने भेजा था एंड आई हर्ड इट. एंड कुछ गाने होते हैं जो आपको धीरे धीरे आप पे ग्रो करते हैं, जैसे 101 करके गाना सीधे मौत का, वो धीरे आप 3-4 बार सुनो उसके बाद आपको एकदम से क्लिक होने लग जाएगा, एंड देन कुछ गाने होते हैं जो एकदम से आपको मस्त लगने लग जाते हैं, बड़े तू चल वॉज इन द सेकेंड कैटेगरी, मैंने पहली बार सुना और मेरे को वो बहुत ज़्यादा सही गाना लगा, तो मेरे को लगा उसको
अच्छी अच्छा फीचर देना चाहिए एक वीडियो पे, तो मैंने गॉन्टलेट 2.0 की जो वीडियो बनाई थी उसमें फीचर दिया था। बिल्कुल सही, मुझे बहुत सही लगा यू नो कि आप डिस्क के अलावा भी और ट्रैक्स को यू नो लिरिकल ब्रेक डाउन कर रहे हो। इसके अलावा भाई मैं जानना है यू नो और किन किन रैपर्स के सॉन्ग्स को आप ब्रेक डाउन करना चाहते हो इन फ्यूचर, या यू नो कौन आपके फेवरेट रैपर्स हैं जिनके जिनके सॉन्ग्स को यू वॉन्ट टू डू इट? आई वॉन्ट टू ब्रेक डाउन फेटल्स म्यूजिक, बट सीन क्या है कि अगर मैं फेटल एक दिल्ली बेस्ड रैपर है, आई थिंक इन चंडीगढ़ और दिल्ली, आई एम नॉट श्योर। तो उसके जो गाने होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमाल के होते हैं। उसने अभी कल ही एक मिक्स टेप रिलीज़ किया है, द फ्रैंकी टेप, क्रेजी अनबिलीवेबल क्वालिटी। इफ़ ही गेट्स अ लिटिल मोर रीच दैट विल अलाउ मी टू ब्रेक डाउन हिज ट्रैक्स इज वेल, तो बहुत सही हो जाएगा। उसके गाने मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। आर्टिस्ट तो बहुत अच्छे अच्छे हैं यार, ध्रुव करके एक है शैतान जिसका नाम है, वो बहुत सही आर्टिस्ट है। इसके अलावा वो जो आपने नाम बताया वो कौन था थोड़ी देर पहले जो इसके आप बोल रहे थे, इसने कल रात को ट्रैक फेटल ओके मैं भी चेक करता हूँ यार, मैंने भी नहीं सुना भाई का नाम, मैं भी चेक करता हूँ भाई को। हाँ आप चेक करो, मैंने उसका जो मिक्स टेप आया था उसकी उसको शेयर भी किया अपने स्टोरी में, तो उसको जरूर चेक करना, था फ्रैंकी टेप नाम है उसका। ओके मेरे भाई, इसके अलावा ऐसा क्या काम है जो आप नहीं करना चाहते हो, मतलब इतनी सब चीजें करने के बाद? मैं नहीं करना चाहता, मैं सिंगिंग नहीं करना चाहता जिंदगी। That's great. Because मैं बहुत गंदा करता हूँ तो। आगे फ्यूचर में इंटरव्यू तो नहीं करोगे ना? नहीं, इंटरव्यूज का मेरा कोई सीन नहीं है। लोग बोलते रहते हैं कि हाँ हाँ पॉडकास्ट कर लो, इंटरव्यू कर लो, लेकिन नहीं, मेरे को उतना सही सीन नहीं लगता। मतलब मैं सही तरीके से कर नहीं पाऊंगा, जिस तरीके से आप कर रहे हो उस तरीके से मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए आई जस्ट अवॉइड इट, आई लेट द बेस्ट वन डू इट, तो आप करो। ओके थैंक यू भाई, मतलब आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हो। हाँ और अगर आप इंटरव्यू करते रहे तो होपफुली हमारे पास भी काम आता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ डिसेस, तो बढ़िया आप ही करो। नहीं भाई देखो मेरा सिंपल से फंडा है, यू नो चलो डिस तो होते रहते हैं कि अपना अभी जो सीन है इंडिया में हिप हॉप को ना एक अलग लेवल पे बढ़ाना है। यू नो मैं चाहता नहीं कि लोग सिर्फ यू नो अगर कोई भी बाहर हो या सब डिस की बातें करें कि हिप हॉप में सिर्फ डिस चल रहा है, नहीं भाई इंडियन हिप हॉप में डिस के अलावा और भी बहुत सारी चीजें, तो उसके वजह से हिप हॉप ग्रो करे, आपको क्या लगता है? ट्रू हाँ ये एक्चुअली मेरे को भी यही लगता है कि डिसेस जो हैं अब देसी हिप हॉप में बहुत कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। एंड चलो बड़े आर्टिस्ट कर रहे हैं वो तो इट मेक सेंस बिकॉज दे हैव शोन देयर वर्क एंड नाउ दे आर डिसिंग, बट कुछ बहुत नए आर्टिस्ट भी हैं हु स्टार्ट लाइक उनका पहला गाना आप देखोगे इज अ डिस बिकॉज दे थिंक कि हाँ व्यूज़ आ जाएगा एंड दैट्स ऑल वी नीड। तो मेरे को नहीं लगता दैट्स द राइट वे टू स्टार्ट someone's career, पता नहीं बाकी artists। हाँ बिल्कुल I agree with you भाई, मतलब you know कि hip hop में you know इतने elements हैं जो बहुत सारे artists कर रहे हैं hip hop को grow करने के लिए, और मेरे ख्याल से आपको या तो you know hip hop is real, या तो आप अपनी story बताओ, या आप you know समाज में इतने सारे मुद्दे हैं जिन पे आप rap करके you know एक किसी को generate किसी को educate कर सकते हो, या उसको you know वो कर सकते हो आप। हाँ instead of dissing each other फॉर श्योर और आप अगर डिस करोगे ठीक है, बट मेरे को क्या लगता है अगर आपको एक अच्छा फैन बेस बनाना है जो आपके गाने सुने, मूफार्ड ने भी अभी डिस किया, उसका मैंने एक लाइव सेशन देखा था, बहुत अच्छी बात बोली कि अगर मैंने जो इस डिस से कमाई हुई जनता मेरे अगर दूसरे टाइप के गाने नहीं सुन पाएगी तो इस डिस का भी कोई फ़ायदा नहीं है, इस जनता का भी कोई फ़ायदा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे यू वॉन्ट पीपल टू लिसन टू योर अदर काइंड ऑफ ट्रैक्स, अगर आप ट्रैप म्यूजिक बना रहे हो, अगर आप लोफाई बना रहे हो, अगर आप चॉपर ट्राई कर रहे हो, तो जनता वो भी सुनने आने चाहिए कि हाँ ये बंदा ना सिर्फ डिस नहीं करता, ये बंदे के इस टाइप के गाने भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि हाँ इस बंदे ने आज डिस निकाला है चलो फिर सुनने चलते हैं, तो दैट शुड नॉट बी योर अल्टीमेट गोल इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाँ वही मतलब फिर आप यू नो कुछ टाइम बाद फिर मुझे लगता है आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी अगर आप डिफरेंट यू नो अगर सॉन्ग नहीं बनाओगे रैप सॉन्ग्स। हाँ करेक्ट सही है। और बताओ इसके अलावा क्या चल रहा है अभी, क्या फ्यूचर प्लान्स है, मतलब अभी तो वैसे लॉकडाउन है, मतलब घर बैठे बैठे क्या कर रहे हो यार? घर बैठे बैठे मैं एक्चुअली किताबें पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स। अभी थोड़ा प्लान है सोशल मीडिया से थोड़ा सा ब्रेक लेने का छोटा सा, एंड टू रीड अबाउट थिंग्स जो आपको लाइफ में हेल्प करेगी, नॉट जस्ट हिप हॉप, हिप हॉप तो चलो एक पार्ट है लाइफ का, बट एट द एंड ऑफ द डे लाइफ इज़ अ वेरी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, तो उसके बारे में कुछ किताबें पढ़ने का, कुछ चीज़ें पढ़ने का प्लान किया है, तो आई विल बी रीडिंग अलॉट मोर इन द लॉकडाउन पीरियड।
दैट्स ग्रेट, मैं भी ये कर रहा हूँ यार, कोई नेटफ्लिक्स नहीं देख रहा हूँ मैं, मतलब मैं GTA 5 खेलता हूँ और मोस्टली मैं बुक पढ़ रहा होता हूँ। हाँ नाइस नाइस नाइस, हाँ ये बढ़िया एक्चुअली। हाँ यार गेमिंग का आप करते हो गेमिंग वैसे, शौक है आपको? मेरे को नहीं, मेरे पास PS है लेकिन मैं उस PS में सिर्फ एक गेम खेलता हूँ एंड दैट इज फीफा 19 एंड फीफा 20। मैं थोड़ा कम खेलता हूँ फीफा, मैं मोस्टली GTA 5 और यू नो वैसा वाला हूँ मैं। सही, चलो यार भाई बहुत अच्छा लगा यू नो बात की आपने मेरे से। वैसे भी यू नो बहुत सारे लोग ने मुझे DM करा कि भाई रोहन को लेकर आओ, रोहन के साथ कोई इंटरव्यू करो। हालांकि हम लॉकडाउन में फंसे तो मैंने ये आइडिया भाई को भेजा, भाई को पसंद आया, थैंक्स अलॉट भाई। इसके अलावा भाई एक और चीज़ यू नो, जब सब कुछ खुल जाएगा यू नो आई एम प्लानिंग टू कम टू बेंगलोर और एक व्लॉग शूट करूँ आपके साथ, तब खुल के बात करेंगे आराम से। हाँ तब बढ़िया एक और मस्त तरीके से फ्री फ्लो में बात करेंगे पक्का राज भाई। सही है भाई, थैंक्स अ लॉट भाई, आप यू नो आई बात की आपने मेरे से यू नो हिप हॉप को लेके बात की, जो आप लिरिकल ब्रेक डाउन करते हो उसको लेके बात की, मुझे लगता है कि आपकी जो ऑडियंस है जो जनता है वो काफ़ी खुश होगी आई थिंक हम दोनों को साथ में देखकर। वुड हैव टू से थैंक यू सो मच राज भाई फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल, इट्स अ ग्रेट प्लेजर। पहली बात तो मेरे को ये बताना होगा बिकॉज आपके चैनल्स पे एकदम लेजेंड्स फीचर हो चुके हैं एंड आफ्टर दैट इफ आई एम बींग फीचर्ड इन योर चैनल दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग, सो थैंक यू सो मच फॉर फीचरिंग मी एंड बहुत सही लगा आपसे बात करके। सेम ईयर मेरे भाई, बहुत सारा प्यार आपको और हिप हॉप को ऐसे बढ़ाते रहो भाई। ओके बड़ी एंड बढ़ाते रहो नहीं बढ़ाते रहेंगे ब्रो दोनों रहेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात, हिप हॉप ही हमारी दुल्हन है जैसे मैं बोलता हूँ भाई। बढ़िया ठीक है भाई, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मेरे भाई, बी सेफ, घर पे रहो, कहीं बाहर मत जाओ फॉर श्योर राज भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय।